हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 36 हमें दे रखा है, द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम 77 मीटर एंड 60 मीटर। एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड हमारी 77 एंड 60 है, नॉन पैरेलल साइड आर 26 मीटर एंड 25 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो बताओ इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा। हमारा ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके से होगा ये, ठीक है। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में किसकी जो पैरेलल साइड है 77, तो ये वाली साइड हो जाएगी हमारी 77 मीटर और दूसरी ये हो जाएगी 60 मीटर। और बोला नॉन पैरेलल साइड, एक है नॉन पैरेलल कौन होगी, ये दोनों पैरेलल लाइन उनको कहते हैं जिनको कितना भी बढ़ा दिया जाए घटा दिया जाए कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं सिवाय इन्फिनिटी पॉइंट के। अब जैसे कि मेरी दो लाइनें हैं, एक बार मैं इन दोनों लाइनों को बढ़ाऊंगा तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे जिनको बोलेंगे इंटरसेक्ट लाइन, नॉट टू बी पैरेलल लाइन, ठीक है। तो हमें ये मान ली ये गिवन है 26 सेंटीमीटर और दूसरी गिवन हमें 25 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया बताना है। देखो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है, मैं इसे लिख लेता हूँ ए बी सी डी, ठीक। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। अब हमें पैरेलल साइड तो गिवन है बट इस क्वेश्चन में हाइट गिवन नहीं है, सारी प्रॉब्लम सिर्फ हाइट की है। अगर हाइट निकल जाती है तो क्वेश्चन को इजीली फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इन ट्रेपेजियम, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, जिसमें ए बी हमारा 60 मीटर है और ए बी हमारा 77 मीटर है, ठीक। और सी डी हमारा क्वेश्चन में गिवन है 60 मीटर है। हमें गिवन है ए डी जो हमने ले रखा है यहाँ पे 26 मीटर एंड बी सी जो है वह 25 मीटर, ये मीटर है, मैंने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है, हमें मीटर दे रखा क्वेश्चन के अंदर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम इक्वल होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, और इनटू में कर देते हैं इसकी हाइट। अब इसमें हाइट हमारे पास गिवन है तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये लो जी ये हमारी इसकी हो जाएगी हाइट। ये हमें अगर पता लग जाए तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सी डी के इक्वल ही कुछ इस तरीके से। जितना हमारा 60 मीटर होगा ये भी कितना होगा 60 मीटर, टोटल है 77 मीटर। तो बाकी का जो ये पोर्शन होगा ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 17 मीटर, जो टोटल है 77 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये टोटल 77 है। अगर ये 60 तो ये कितना होगा 17 मीटर होगा। अब हमारा, अब मैंने बिल्कुल पैरेलल इसकी लाइन ड्रॉ की है तो ये 26 मीटर है तो ये भी कितना होगा 26 मीटर। अब हमारा जो ये ट्रायंगल आया है, इस ट्रायंगल की हेल्प से हम निकालेंगे, इसको नाम दे दो ई बी। ये 26 मीटर है, 25 मीटर एंड 17 मीटर, और ये हमारी क्या है हाइट। अब जो ये हाइट है वो इस ट्रायंगल की भी है और इस ट्रेपेजियम की भी है, क्योंकि बनी तो दोनों के ऊपर ही है। ये जो बेस है ए बी वो क्या है ट्रेपेजियम की साइड, और बी ई है क्या है ये ट्रायंगल की साइड है तो जो बी ई है वो ए बी का ही तो पार्ट है। तो हाइट, जो हाइट इस ट्रायंगल की होगी वही हाइट इस क्या होगी इस ट्रेपेजियम की होगी। तो हाइट को फाइंड करते हैं किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी बी सी ई, बी सी ई मैंने मान लिया जो ए है हमारा वो कितना है 26, बी 25 मीटर, सी 17 मीटर। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू के, 26, 25 एंड 17 डिवाइड बाय 2, सभी को ऐड किया 68 डिवाइड बाय 2 यह आया 34, सेमी पेरीमीटर आ गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, बी ई सी फॉर्मूला होगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की जगह में कितना दे रखा है 34, 34 माइनस ए यानी कि 26, 34 माइनस 25, 34 माइनस 17, क्लियर है। इसके बाद 34 में से माइनस किया मैंने 26 को, यह आया 8, 34 में से माइनस किया 25 को तो यह आया 9, माइनस किया तो यह आया 17, ठीक। 34 की मैंने फैक्टर किए, 34 का फैक्टर होता है 17 टू ज़ा 34, 8 के फैक्टर 2 इंटू 2, क्योंकि 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 9 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3,
17 के फैक्टर होते नहीं, तो 17 को 17 लिख दिया एज इट इज़। अब देखो इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया 2 और 2 का पेयर बन गया 17 और 17 का पेयर बन गया। जिसका पेयर बन जाएगा अंडर रूट में दो के पेयर में से एक ही नंबर बाहर निकल गया था तभी इसका अंडर रूट हटता है, ठीक। तो इन दोनों 17 में से एक 17 बाहर आ गया, 2 और 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ गया। 17 2 जा 34, 3 2 जा 6, 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 6 4 जा 24, 6 3 18 और 2 20, 204 मीटर स्क्वेयर ये इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया, ठीक है। बाकी का सॉल्यूशन अगले पेज पे करेंगे। तो स्टूडेंट मैंने पीछे से नोट कर लिया कि जो हमारा एरिया निकला था बीईसी का, ठीक है, बीईसी का कितना है 204, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 204 मीटर स्क्वेयर बीईसी का। अब जब हमारे पास बेस हो और हाइट हो तो हम इसके लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं 1/2। बेस हमारा कौन हो जाएगा बीई और हाइट हमारी कौन हो जाएगी एच, ठीक है 204। अब 1/2 बीई हमारा कितना है 17 और हाइट हमें निकालनी है 204। एच को तो यहीं पर रहने दो, जो टर्म हमारी नीचे है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगी। अब 204 में 17 का पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4 4 2 8 0 2 2 4। अब 17 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 24 मीटर, ये हो जाएगी इसकी हाइट। हाइट आने के बाद में भी एरिया निकाल देंगे सीधा ट्रेपेजियम का ए बी सी डी, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन थी इसकी, एक 60 दूसरी थी 77, तो यहाँ लिखा मैंने 60 प्लस 77 मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट कितनी है इसकी 24, 2 से काटा कितना है 12, दोनों को प्लस कर लिया कितना है 137 इंटू में 12, 137 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1644 मीटर स्क्वेयर, ये हमारे इस ट्रेपेजियम ए बी सी डी का एरिया हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।